हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस लेसन में हम बात करने वाले हैं 4 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी PDF मिल जाएगी। और अगर पहली बार अपने चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब प्लस सुसाइड में बेल आइकन है, इसे भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके कंटिन्यू बिना मिस हुए। और अगर आपने मुझे अभी अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं, जो अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आफ्टर देन आप मुझे वहां पर सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, या फिर अपने प्रोफाइल की लिंक जो है वो मिलेगी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि अपने यूट्यूब के अलावा जो अदर वीडियोज है वो आपको यहाँ पे अनअकैडमी प्रोफाइल पर मिलते रहेंगे कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए वो थी कि हाल ही में 28वीं जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप 2018 में वीपी सिंह बदनौर ने रजत पदक हासिल किया है, यह वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल है। तो ये यहाँ पे पूछा गया है कि जो वीपी सिंह बदनौर है ये किस राज्य के राज्यपाल है। ये कल की क्विज थी, तो आपका इसका राइट आंसर था फ्रेंड्स पंजाब, इसका कल की क्विज का राइट आंसर था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की। देखिए आज का पहला प्रश्न है अपना, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के 3 स्थलों को जियो पार्क टैग के लिए नामित किया है, निम्न में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो आपका आंसर होगा आभानेरी बावड़ी, इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पे देखिए लोनार झील प्लस सेंट मेरी द्वीप प्लस जो मालपेद बीच है, इन तीनों को हाल ही यूनेस्को ने जियो पार्क टैग के लिए नामित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर इन तीनों की मैं बात करता हूँ तो जो भारत में लोनार झील है ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, और ये सेंट मेरी प्लस जो ये मालपे बीच है ये कहाँ स्थित है, ये दोनों कर्नाटक में। तो इन तीनों जगहों को हाल ही में यूनेस्को ने सेलेक्ट किया है जियो पार्क टैग के लिए, इनको मतलब कि नामित किया है। अब यहाँ पे देखिए जियो पार्क टैग का मतलब क्या है, थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको ये तो पता ही है, यूनेस्को जो है कुछ सेलेक्टेड जो है स्थान उनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल करती है उनके संरक्षण वगैरह के लिए, वैसे ही उसी का एक प्रारूप है ये जियो टैग वाला। और इसके अंदर भी यूनेस्को जो है कुछ चुनिंदा स्थानों को सेलेक्ट करती है, और उसके बाद में जो यूनेस्को है उसका मतलब कि जो सेलेक्टेड स्थान है उनका क्या करती है, संरक्षण करती है, उनका देख रेख वगैरह जो है इसके यूनेस्को के द्वारा ही की जाती है, उसी तरह का ये किया प्रारूप है, ठीक है। तो इन तीनों जो है स्थानों को इसमें सेलेक्ट करने के लिए नामित किया है इस बार, ठीक है, यूनेस्को ने। और अगर अभी तक मैं प्रेजेंट में बात करता हूँ तो पूरे विश्व में अभी तक जो है टोटल 140 जियो पार्क जो है अभी प्रेजेंट में है यूनेस्को के द्वारा, जिनको जियो पार्क टैग का दर्जा दिया गया है पूरे विश्व के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पहली अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन महासभा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो आपका आंसर होगा ये किया गया है फ्रेंड्स जो नई दिल्ली है वहीं पे प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा है इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, ISA का उद्घाटन किया है, इसको शॉर्ट में आप कह सकते हो ISA, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और ये पहली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा थी जिसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं ये ISA क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे हिंदी में आपको पता चल ही रहा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा, और इसको इंग्लिश में जो है इसका फुल फॉर्म होता है होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और इसकी मैं बात करता हूं तो इसका कार्य क्या होता है, देखिए पहले तो ये आपको ध्यान रखना है टोटल 121 देशों का जो है एक मतलब कि एक संगठन है ये, मतलब टोटल 121 देश इस समूह के इस महासभा के जो है इस संगठन के सदस्य देश हैं। और इसका कार्य है जो मतलब कि सौर ऊर्जा है उसके उपयोग को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन में सुधार लाने के लिए ही ये यहाँ पे एक गठबंधन जो है किया गया है 121 देशों का, ठीक है, ये आपके ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, हाल ही में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर किस राज्य में विश्व शांति स्मारक के रूप में दुनिया के सबसे बड़े गुंबद का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ये विश्व का सबसे बड़ा गुंबद जो जिसको विश्व शांति स्मारक के रूप में जो है निर्मित किया गया है, और ये जो है कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है रिसेंटली, तो आपको ध्यान रखना है ये है महाराष्ट्र के अंदर।
देखिए महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट है उसी के परिसर में इसको जो है निर्मित किया है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है जिसको विश्व शांति स्मारक के रूप में निर्मित किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करते हैं तो देखिए इसके जो टोटल व्यास है इस गुंबद का वो है 160 फीट इसका टोटल व्यास है, ठीक है, ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान किसने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 प्रदान किया है? तो आपका आंसर होगा एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। एंटोनियो गुटेरेस है, इन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस के नाम सुनते ही आपको पता चलेगा होगा ये जो है अभी प्रेजेंट में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है, ये आपको जरूर ध्यान रख लेना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है जो कि अभी फिलहाल जो है भारत के 4 दिवसीय दौरे पर है, भारत में 4 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं ये, और इसी के दौरान एक यहाँ पे समारोह हुआ है और उसी समारोह में ये पुरस्कार इन्होंने दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी को, ठीक है। ये पुरस्कार जो दिया जाता है, देखिए ये जो पुरस्कार है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 मतलब अवार्ड जो है ये मतलब कि पर्यावरण के क्षेत्र में जो यूएन है संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं, एक ये पुरस्कार मोदी जी के अलावा एक और पर्सन को जो है इस बार दिया गया है और उनका नाम है इमैनुएल मैक्रो। इमैनुएल मैक्रो जो है अभी प्रेजेंट में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति को भी इस पुरस्कार के लिए चुना गया है चैंपियंस ऑफ द अवार्ड के लिए, ठीक है, इस बार का। अब ये आपको ध्यान रखना है, देखिए जो पुरस्कार दिया जाता है ये दिया जाता है जो व्यक्ति मतलब कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र के लिए कुछ अतुल्य योगदान देता है तो उन्हीं के लिए ये पुरस्कार जो है दिया जाता है, ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ये पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए हमारा जो और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला यूएन यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसका सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरकार ने पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए किस बैंक के साथ $240 मिलियन ऋण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका आंसर होगा एशियाई विकास बैंक के साथ। देखिए जो एशियाई विकास बैंक है इसी के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है जिसका मकसद है जो पश्चिम बंगाल के 3 जिलों को इसके लिए सेलेक्ट किया है जिनको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ये ऋण समझौता हुआ है जिसकी ऋण राशि कितनी है $240 मिलियन, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ जो जिले शामिल है इसके नाम की तो देखिए इसमें बाकुंडा जिला शामिल है, मेदिनीपुर जिला शामिल है और 24 परगना जिला शामिल है, तो ये पश्चिम बंगाल के 3 जिलों के लिए ये ऋण समझौता हुआ है, ठीक है। देखिए एशियाई विकास बैंक की बात की है, हमने काफी सारे वीडियोस में जो है इसके बारे में बताते रहते हैं आपको, और इसका जो हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए अपना, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हुए यातायात एवं सड़क उद्योग से संबंधित समझौते को मंजूरी दी है? देखिए अभी रिसेंटली एक यहाँ पे समझौता हुआ है और ये समझौता हुआ है रूस के और भारत के बीच में। ये समझौते की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मकसद है जो यातायात एवं सड़क उद्योग है उसी से संबंधित ये समझौता हुआ है। इसके तहत क्या हुआ कि जो रूस की जो उन्नत प्रणालियाँ हैं परिवहन से संबंधित जो उन्नत तकनीकें हैं उनको भारत में इम्प्लीमेंट करने के लिए ही ये समझौता किया गया है यहाँ पर, ठीक है, दोनों देशों के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है, यातायात एवं सड़क उद्योग से संबंधित जो समझौता हुआ है ये किसके बीच में हुआ है, रूस और भारत के बीच में हुआ है। और अगर प्रेजेंट की लेटेस्ट में बात करता हूँ तो देखिए एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभी प्रेजेंट में जो रूस के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है व्लादिमीर पुतिन, वो अभी आज भारतीय दौरे पर रहेंगे आज से, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और यहाँ पे की जो करेंसी है वो आपको ध्यान रखनी है, रशियन रूबल यहाँ की करेंसी है, रशियन रूबल। अगला प्रश्न देखिए अपना, हाल ही में किसे इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो आपका आंसर होगा इराक के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं फ्रेंड्स वो चुने गए हैं बरहम साहिल। बरहम साहिल जो है इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए और क्वेश्चन बन सकता है, इराक की कैपिटल, तो आपको ध्यान रखनी इराक की कैपिटल बगदाद इराक की राजधानी है, ठीक है, और जो मुद्रा है वो है दिनार, दिनार यहाँ की करेंसी है, ठीक है, तो ये दोनों भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2018 के लिए संयुक्त सेलेक्ट किया गया है, चुना गया है, निम्न में से कौन सा नाम इसमें शामिल नहीं है इस लिस्ट में? तो आपको ध्यान रखना है जो मलाला यूसुफ़ज़ई है ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी के यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रांसिस अर्नोल्ड को चुना गया है, जॉर्ज स्मिथ को चुना गया है और ग्रेगरी विंटर्स को चुना गया है, इन तीनों को आपको नाम रट लेने हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कौन सी कैटेगरी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया इस बार, ये दिया गया है रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र
में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए इन तीनों को दिए जाने की घोषणा की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे तीन कैटेगरीज की अब तक घोषणा की चुकी है 2018 की जो नोबेल पुरस्कार है उसमें। पहला जो कैटेगरी मैंने आपको इससे पहले के एक वीडियो में बताया था, सर्वप्रथम में चिकित्सा क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है उसकी घोषणा कर दी चुकी है, मैंने बता दिया। उसके बाद में जो कल मैंने बताया था कल के वीडियो में, वो बताया था भौतिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार जो हैं वो किसको दिया गया, तो उनकी भी मैंने आपको बता दिया है। और आज जो घोषणा हुई है रसायन के क्षेत्र वालों की, तो मैंने ये भी आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आगे जो मतलब कि अलग जो नेक्स्ट फील्ड में जो घोषणा होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपको ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते अपना। 6 से 18 अक्टूबर 2018 के बीच में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयरस में होने वाले तीसरे युवा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका आंसर होगा मनु भाकर को। देखिए जो भारतीय प्लेयर है मनु भाकर, इनको जो 6 से और 18 अक्टूबर के बीच में जो अर्जेंटीना में होने वाली है तीसरी युवा ओलंपिक चैंपियनशिप, और इसी के अंदर जो है भारत का जो ध्वजवाहक चुना गया है वो किसे चुना गया है? मनु भाकर को चुना गया है। मनु भाकर, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि मनु भाकर उनमें से किस खेल से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है ये शूटिंग प्लेयर है, ठीक है, शूटिंग प्लेयर है, और ये जो है ध्वजवाहक के रूप में चुनी गई है जो तीसरे युवा ओलंपिक होने वाले हैं। यहां से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि तीसरे युवा ओलंपिक खेल कहां पे आयोजित करवाए जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है अर्जेंटीना का जो ब्यूनस आयरस है ये अर्जेंटीना की कैपिटल भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और इसी के अंदर इसका आयोजन करवाया जा रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। 2 अक्टूबर को रंजन गोगोई ने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, ये भारत के कौन से नंबर के न्यायाधीश चुने गए हैं? तो आपका आंसर होगा ये चुने गए हैं दोस्तों 46वें नंबर के, भारत के 46वें नंबर के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, ये ली है रंजन गोगोई ने, ठीक है, ये आपको अपडेट यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को इन्होंने शपथ ली अपने पद की। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन के कारण फेडरल बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, वर्तमान में इस बैंक के सीईओ कौन है? तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, जो फेडरल बैंक है इसके हाल ही में इस पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, जो आरबीआई है रिजर्व बैंक उसके द्वारा। तो यहाँ पे पूछा ये गया कि इसके वर्तमान में सीईओ कौन है फेडरल बैंक के, ठीक है, तो फेडरल बैंक के जो सीईओ है वो है श्याम श्रीनिवासन, अभी प्रेजेंट में इसके सीईओ हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट जो हम आप बाज की जो क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो देखिए आज का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस दिन को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है? जो भी आपका राइट आंसर है ऑप्शन में से लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइज ये थी आज की करंट अफेयर, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, साथ ही वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक प्लस ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो फेसबुक व्हाट्सअप यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।